को अमृतसर में चींटी ने काट लिया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे कपड़ों में चींटी चली गई और उसने जगह जगह काट लिया है। लेकिन मम्मी ने आके बताया किसने काटा है मम्मा ये, तो मम्मी ने बताया कि ये खटमल ने काटा हुआ है, ये बिस्तर में होता है, जो ये होते हैं ना होटल वगैरह में जो साफ से नहीं रखते अपना बिस्तर, उसमें इधर इधर और बैक पे भी हो रहा है, पूरे कमर पे, वो तो कैसे ही दिखाऊं, लेकिन गर्दन पे और हर जगह पूरे शरीर पे ये हो रहा है और बहुत इचिंग हो रही है इसमें दो दिन से बहुत ज़्यादा। मैं हिमाचल से ये लेके आई थी तिब्बतन फ्लैग, स्कूटी पे बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं दो लेके आई हूँ, एक ख़राब हो जाएगा तो दूसरा लगा लूँगी। ये तिब्बतन फ्लैग ना बहुत ज़्यादा अच्छी फील देता है, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ कहीं, ठंडी हवा चल रही हो, अच्छी सी हवा चल रही हो और उस हवा में ये उड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छी फील आती है, थोड़ा एक पीस सा मिलता है इसको देख के। ये पहले भी लगा था मेरी स्कूटी में, लेकिन उसका जो ये है ना, ये ज़्यादा पतला था ये बांधने वाला धागा, तो वो बार बार लूज हो जाता था और वो थोड़ा ख़राब भी हो गया, तो फिर मैंने सोचा नया ले लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा बर्थडे, तो मैं आज ही वापस आई थी हिमाचल से शाम को और मैं मस्त एक घंटे तक नहीं हूँ, क्योंकि ट्रिप पे ऐसा ही हो जाता है ना, ढंग का नहाना खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाता। यस चल जल्दी आ जा, चल उठ जा जल्दी, जब से लेटा हुआ है खड़ा हो। मेरी की देखम देख, इसने भी व्लॉग स्टार्ट कर दिया। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। मोटिवेटिंग लगते देखो इसके गाइस कैसे पहन ले, छोटे बच्चों वाले। छोटी बच्ची हूँ मैं, छोटी बच्ची हो क्या? तो मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट पहले से पता है। आई वो चबैया की पुराने वाली तो आर चीज का थैला तो मैं लेके आई थी, तू कहाँ से आर चीज का ले आई? अरे तो नहीं ला सकती, हम नहीं ला सकते, मतलब थैले थैले में कुछ और होगा। ये पापा की तरफ से इसमें मेरा भी है, लेकिन बताना होगा क्या है इसमें। और उसमें चीनू तेरा अलग से है, इसको मैं कर दूंगा वो तो पता ही है। एंड आपका कहाँ है तेरा? तो मुझे पता ही है भैया, मैं जो गिफ्ट दूंगा वो तो पता ही है। तो ये केक मेरे दोस्तों ने भेजा है और हमने कोई और केक नहीं लिया क्योंकि इतना ही काफी है, क्योंकि केक वैसे भी कोई नहीं खाता। तो थैंक यू चीकू एंड सूर्या। और ये देखो, ये केक काटने के लिए, और इससे हम चीनू का गला भी काट सकते हैं। It's your birthday. Hello you. मैं फूक मार के खुद ही ताली बजा रही हूँ, तो सही आराम से बैठे हो। Happy birthday, it's your birthday. Happy birthday. मेरा गिफ्ट वो रहा, तुम देख लिया? नहीं देखा? ये है मेरा गिफ्ट, तू देख ले पहले, ले पहले उसको देना साथ ही ले। ये भाई किन्होंने दिया है स्वाति को पांडा? मेरे कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं। अच्छा है ना, पर तेरे को बताना पड़ेगा इसमें है क्या। बता क्या है, पता लग जाएगा इस पर। मेजर में तो मैंने कैसे कर लिया, मैं सोच रही हूँ ये बता पाएगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी इसकी, ऐसे थोड़ी पता चलेगा, उतर के तो पता ही लग जाएगा। ये वाला गिफ्ट मम्मी पापा की तरफ से, और ये चीनू ने दिया है, पांडा चीनू ने अपने अपने आप को गिफ्ट करा है। पांडा गिफ्ट तो उसका है ना, वो खोल ले कुछ करे, खोल क्या है वो डब्बा हो रही है, चूड़ी चूड़ी का डब्बा है पागल बनाने के लिए, साइकिल के अपनी स्कूटी में डाल लूंगी इसको, ये साइकिल की ताड़ियों में डलती है तो स्कूटी की उसमें डाल लेगी ना, स्कूटी वैलो है उसमें कहां से आ जाएगा। अच्छा आहा आहा देखा सही रहा ना मेरा गेस? हां बिल्कुल सही, सो मच। अब देखो भैया क्या देगा, मैं तो वे लस्सी लाया था वो खिंड की गाड़ी में, और आगे चीजों ने साफ की, ये गिफ्ट था साथी से करवाना था। इसके अंदर देख ले जो भी हो तेरा, जो भी कभी क्या नहीं हो इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। कभी केड़े के छिलके गाल रखे हो? हां प्रैंक हो गया बेटा, वो चाहे ये रहा वो च।
उसका कवर कवर लाता तो कम से कम इसका लाता नहीं डल जाती ये अभी तो काट बस और नहीं है कुछ ओहो ये क्या किया तुमने इसमें भी बहुत इसमें पट्टा होगा इसमें पट्टा पट्टे को क्या करूं अच्छा वो मैं इसमें डाल रहा हूं मेरे को लग रहा है भैया नहीं लेके आए हैं जिस टाइप का सस्पेंस है ना पुरानी है नहीं तो भाई ये मेरी पुरानी आई वॉच इसको दे रहा हूँ मैं मैंने ब्लॉग में भी बोला था जब मैंने नई आई वॉच ली थी ले ऑन कर लियो चार्ज करके कांग्रेचुलेशंस स्क्रैच है इस पे तूने बोला तो सही करा के दूंगा सही है स्क्रैच का है मेरी तरफ से एक और गिफ्ट है तेरे लिए क्या आई वॉच का चार्जर सबसे अच्छा गिफ्ट मेरा है सबसे अच्छा गिफ्ट चीनो का है हाँ ये मैंने कल ऑर्डर करा और आज आ गया ऑर्डर करा कहाँ से ऑर्डर करा फ्लिपकार्ट से इसको केक क्यों खिला दिया तेरी नोटिफिकेशन आ रही थी क्या मेरे पास कल फ्लिपकार्ट पे करने की नहीं मैंने तो अपने नंबर से किया है मैंने तो कैश ऑन डिलीवरी ये हमने पांडा को केक भी खिला दिया है इसका नाम रखेंगे कुछ ठीक है पर ये बहुत चीप है प्राइस में पैसे कौन देखता है नहीं इसका नाम पिद्दी है सही लग रहा है ये ड्रेस जैसा लग रहा है पिद्दी तो बोल रही थी मैं इसका नाम पिद्दी है पिद्दी ठीक है इसका नाम पिद्दी है तो भी हम सब जा रहे हैं वेगस मॉल एज यूजुअल सबके बर्थडे पे वही जाते हैं इसका काम था रोने का रोती रहती है पूरा दिन अभी भैया कल जा रहा है उस बात पे भी रो रही है सेम पांडा रखा है जो चीनू ने मेरे को गिफ्ट करा था और एक पांडा वो जा रही है अभी तो तू बोल रही थी बहुत ज्यादा चीप है कितने का है वो मुझे क्या पता हाँ तो व्हाट चीप है बस कितना चीप 3500 सचमुच क्या क्या कह रही है मैं बोल रही हूँ लेके रहूंगी आज तो चाहे घिसड़ के रोना पड़ जाए घिसड़ के क्या लेके रहेगी सैंडल अपने तो ये है गाइस जंगल सफारी ये लोग हर बार थीम चेंज कर देता है कुछ ना कुछ लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में हाथी पे मैं बैठ जाऊं हाथी पे हाथी आदमखोर ये अपने बच्चों को रेड लाइन से अंदर घुसाते हुए फोटो खिंचवाने के लिए अंदर जाना मना है फिर भी और उधर सिक्योरिटी गार्ड अंकल खड़े हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं चुपचाप देख रहे हैं यहाँ पे चिड़िया का नेस्ट भी बना रखा है और ये लग रहा है इंस्टा जैसा बस शक्ल थोड़ी डरावनी बना रखी है इसने गुस्से वाली तो एक बात और है कि मतलब मेरे को ना कमेंट करके बताओ कि मैं कितने साल की लगती हूँ आप लोगों को सही गेस नहीं कर पाओगे वैसे क्योंकि मेरी एज एक मिस्ट्री है देखते हैं कितने लोग सही गेस करेंगे तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने बस उसके बाद घर चले जाएंगे क्या बोलते हैं उसको वो जो पापड़ पे वो वेजिटेबल्स कट कट करके देते हैं पापड़ पे मसाला पापड़ हाँ मसाला पापड़ टाको बेल सेम वही है इस पे चलते हैं दिल्ली हाइट्स पे नहीं ना कहीं और क्या भी यहाँ पे दो तीन रेस्टोरेंट है बस चिली बाकी तो फिर वैसे डाइनआउट टाइप पे है हाँ तो वहाँ चल लेते हैं डाइनआउट क्या खाना मिल जाएगा बाकी तो फिर फास्ट फूड खाना खाएंगे मैं हल्दीराम से चलो इडली सांभर खा लेंगे तो अभी हम लोग आए हैं कैफे दिल्ली हाइट्स साउथ इंडियन है इधर देखना पड़ेगा देख ले होगा मेरे को इडली सांभर खाना है तो ये मैंने टमाटो सूप मंगाया था हरियाणवी बोलनी चाहिए वैसे तो जो मैंने टमाटो सूप मंगाया था खाओगा तू खा ले सिला हो जाएगा इसमें स्माइली बनानी चाहिए थी ये जो है थिक नहीं है क्या ऐसा ही आता है इससे अच्छा तो नोर का सूप बन जाता है घर पे ऊंची दुकान ठीक है पकवान ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैंने मना किया था इधर आने के लिए इससे अच्छा तो मैं बना देती हूँ मेरे से बनवाने मिर्ची नहीं है नमक भी नहीं होगा कम होगा ना तो नमक सादा है बिल्कुल हम नमक मंगा सकते हैं मंगा ले नमक मंगा ले क्या कह रही है अगर नमक नहीं मिले तो देखिए क्या आइडिया होता है नॉर्मली भी इतना निकलता है इसमें खास क्या था अरे मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स में
बोले मत, चुप रहे चुप रहे। ये है रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर एंड रेस्टोरेटर व्हाटएवर इट इज ऑफ द ईयर मिस्टर विक्रांत बत्रा। आपका सूप बहुत ही भैया है, यू डोंट डिजर्व टू बी नंबर वन। तो हम खाना खा के आ गए हैं और आप क्या कह रहे हो? क्या कह रही? मम्मी कह रही है कि मजा नहीं आया, बस बोरा भर लिया। अरे तो गाइस को क्यों बता रही है हमारी? तो गाइस भी तो हमारे हैं। अरे वो बोलेंगे बोरा बोल रहे हो खुद को। खुद को नहीं, पेट को बोल रहे हैं। तो पेट भी तो हमारे ही है। हाँ तो पेट में तो है ना, ये बोला है खाना स्वाद ही ना, पर हमने भर लिया अपना बोरा सा। और क्या बोलूँ अब, खाना तो पड़ा। मैंने पहले मना किया था इस मतलब इधर मत जाओ, कैफे दिल्ली हाइट्स में मत जाओ, कहीं और चल लो, लेकिन नहीं वहीं जाना है जहाँ स्वाति मना करते हैं। ये हो गया ना, स्वाति यहाँ मना क्यों कर रही है? अच्छा तो फिर आगे ना बोरा भर के। तो बोरा भरना अच्छी बात है ना, बोरा भर के लिया। चलो तो पता नहीं वो नहीं है, इधर ही कहीं होगी। हमारी गाड़ी खो गई, हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं पार्किंग में। व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब 9th को था मेरा बर्थडे और अब 19th को डल रही है ये वीडियो, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग लेट आया इसलिए आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट। वेट, रेडी?